नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के हिंदी समाचार में मैं मनीष टेमरे आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं क्या कुछ है खास। गोंदिया जिले में सोमवार मंगलवार की रात में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जहां शहर में स्थित दो मंजिला इमारत देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढहकर पिंड के पार नाले के पानी में तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में मां बेटे की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे स्थानीय क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। यह घटना मंगलवार 10 सितंबर को सुबह के दौरान बताई जा रही है। मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न होकर कई घरों में पानी समा गया। वहीं सैकड़ों हेक्टर में लगी खरीफ फसल पानी में डूब गई, तो दूसरी ओर पेट्रोल से भरे टैंकर बाघ नदी में बहने का दृश्य देखा गया। कई मकान जमीन दोस्त होकर पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए। यह हर तरफ भयावह मंजर दिखाई दे रहा है। जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। समाचार लीके जाने तक मंगलवार को देर शाम तक झमाझम बारिश शुरू थी। बता दें कि सोमवार की रात से तेज बारिश ने शुरुआत की, जो मंगलवार देर शाम तक चलती रही। गोंदिया जिले में बादल फटने से पूरे जिले में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। गोंदिया शहर के रामेश्वर कॉलोनी पिंड के पार नाले के किनारे बनी दो मंजिल इमारत में अनिल अग्रवाल का परिवार निवास करता है। इस बारिश में ताश की पत्तों की तरह देखते ही देखते चंद मिनटों में दो मंजिल इमारत ढहकर नाले के पानी के तेज बहाव में बह गई। इस घटना में मलबे में दबकर मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में किरण अग्रवाल उम्र 56 व दीपिन अनिल अग्रवाल उम्र 32 का समावेश है। समाचार लिखे जाने तक मृतक किरण अग्रवाल का शव नहीं मिल पाया था, जिसकी खोजबीन आपदा पुलिस एवं नगर परिषद की टीम के माध्यम से शुरू की गई। इस घटना से पूरे गोंदिया शहर में शोक का माहौल देखा जा रहा है। पूरा जिला जलमग्न होकर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, बारिश इतनी तेज हुई कि जिले के नदी नाले बाढ़ जलाशय पूरी तरह से ओवरफ्लो होकर तेज प्रवाह के साथ बह रहे हैं। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा में प्रवाहित बाघ नदी ने रौद्र रूप धारण कर उफान पर बह रही है। इस नदी के पानी में तेज बहाव के कारण पेट्रोल का टैंकर बहते हुए दिखाई दिया। जब यह दृश्य सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ तो देखने वालों को ऐसा महसूस हो रहा था कि यह दृश्य किसी फिल्म का तो नहीं। गोंदिया जिले में 2,00,000 हेक्टर क्षेत्र पर खरीफ व धान की फसल लगाई गई है। फसल इतनी अच्छी आ रही है कि अचानक आई तेज बारिश ने फसलों को तबाह कर दिया। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने फसलों से हरे भरे खेत पानी में डूब गए। इस आपदा से करोड़ों रुपए की फसल पानी में डूब जाने से किसानों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। साले का सा तहसील अंतर्गत आने वाले धानेगांव मार्ग पर बना पुल पानी के तेज बहाव से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कई गांवों का गोंदिया मुख्यालय का संपर्क टूट गया। इसी प्रकार गोंदिया जिले के अनेक मार्गों पर पानी संग्रहित हो चुका है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। सैकड़ों मकान जमींदस्त होकर पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए। ग्रामीण विकासच देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा गाभा आहे। ग्रामीण विकासासाठी शासनाच्या राबवण्यात येणाऱ्या योजना गावपाण्यात पोहोचवाव्या। प्राप्त होणाऱ्या निधीचा योग्य विनियोग होऊन गावाचा दर्जा सुधारावा। स्थानिक स्वराज्याचे लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कर्मचारी अधिकाधिक लोकाभिमुख, जबाबदार आणि पारदर्शी बनावेत, यासाठी प्रशिक्षणाद्वारे त्यांना सक्षम करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान राबवले जात आहे। तसेच आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेला सुमारे 400 अधिक सेवा उपलब्ध केलेल्या असून तरुणांना रोजगार आणि उद्योग विषयक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान निर्धार ग्रामीण विकासाचा, महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा। ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन।